नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने टॉपिक शुरू किया था सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडी हमने डिस्कस किया था, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। आज हम उसको टॉपिक को आगे डेवलप करेंगे। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन किसे कहते हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर हम डिफरेंट बॉडीज का डिफरेंट एक्सिस के अराउंड देखेंगे, रिंग, डिस्क, रॉड, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, होलो सफियर, सॉलिड सफियर। उसके बाद रिलेशन क्या है एंगुलर मोमेंटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, एंगुलर वेलोसिटी से, टॉर्क से, कनेटिक एनर्जी जो है रोटेशनल बॉडी की कितनी होगी, और उसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और उसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और थोड़ा लंबा होने वाला है। ये टॉपिक जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पांच नंबर वाला, इसको बहुत ध्यान से समझना है। सो धीरे धीरे हम शुरू करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन से, आइए शुरू करें। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है? हमने फ्रेंड्स न्यूटन फिजिक्स में जब पढ़ा है ट्रांसलेशन मोशन में, तो न्यूटन लॉज ऑफ फिजिक्स में भी हमने देखा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि जब तक पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई की जाती तब तक वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन कंटिन्यू करता है। मीन्स अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है तो पर्टिकुलर स्पीड से चलता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर दी जाती या उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर दिया जाता। और कोई भी बॉडी अपने इस चेंज ऑफ मोशन को रेजिस्ट करती है, जिसको हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। इसी तरह रोटेशनल मोशन में फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि कोई भी बॉडी तब अपनी स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करेगी, अगर वो स्टेशनरी है तो अपने आप रोटेट नहीं करने लग जाएगी जब तक हम उसके ऊपर टॉर्क नहीं लगाते हैं, और अगर वो एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी तब तक चेंज नहीं होती जब तक हम उस पर टॉर्क अप्लाई नहीं करते हैं। इस प्रॉपर्टी को जो अपने चेंज ऑफ मोशन को रेजिस्ट करती है, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमारा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए गिवन एक्सिस टेंड टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन टू चेंज दैट स्टेट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाई वर्चू ऑफ विच इट अपोजिस द टॉर्क टेंडिंग टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर कैसे करते हैं? लेट अस से कोई बॉडी है और इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे इसका कैलकुलेट करेंगे? आई इज इक्वल टू मास एम वन इंटू उसका उस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है आर वन इसका स्क्वायर, समेशन ऑफ ऑल दी मासेस एम टू इंटू आर टू का स्क्वायर। ये लिखा हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज डिफाइंड एज सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ मासेस ऑफ पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी एंड स्क्वायर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेज फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस सो ऑन। लेट अस से एम एन पार्टिकल है, सो एम एन इंटू आर एन का स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का, कोई भी बॉडी के एन पार्टिकल का, या हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन। अब किन किन चीजों पे डिपेंड किया? मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड किया। किन किन चीजों पे डिपेंड किया? मास ऑफ द बॉडी, दूसरा डिपेंड किया साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। अगर बहुत बॉडी बड़ी है तो उसके अकॉर्डिंगली आर उसका जो एक्सिस से डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का डिफरेंट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर सारे का सारा मास उसका एक्सिस के अराउंड कॉन्सेंट्रेटेड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा, अगर उसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका डिफरेंट होगा। पोजिशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंट्रली पास कर रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है, एजिस से पास कर रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है। सो ये हमारी सिंपल डेफिनेशन हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। इसी प्रकार अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन तय कर रहे हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन एक टर्मिनोलॉजी है जो कि सेंटर ऑफ मास के इक्विवेलेंट है। सेंटर ऑफ मास में हमने कहा था कि कैसा पॉइंट बॉडी के अंदर हो भी सकता है या हो सकता है कि अजम्पशन है, जहां पे सारी की सारी बॉडी का मास अगर कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाए और फोर्स अप्लाई करी जाए तो उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जितनी की इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर सेम फोर्स लगने के ऊपर होगी। सो अगर हम एक को यहाँ पे मोमेंट ऑफ गायरेशन, अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन डिफाइन करना हो तो रेडियस ऑफ गायरेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच इफ होल मास ऑफ द बॉडी वर कंसंट्रेटेड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस वुड बी सेम एज विद द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास। मतलब कि कोई
कोई इसका ऐसा डिस्टेंस, लेट अस से ये है डिस्टेंस, लेट अस से ये पॉइंट है जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास कॉन्सेंट्रेटेड है, लेट अस से दिस इज द डिस्टेंस के। सो रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा अगर सारे का सारा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, लेट अस से एम एन इन टू के स्क्वायर। सो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल बॉडी आई, चाहे हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लें, चाहे हम एम इंटू के स्क्वायर कर दें, के वो होगी वैल्यू, के का मतलब है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ बॉडी अबाउट इट एक्सिस ऑफ रोटेशन, मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मीन्स डिस्टेंस है के एट विच इफ होल बॉडी, इस पॉइंट पे क्या है आपका पूरी की पूरी बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है, होल बॉडी ऑफ होल मास ऑफ द बॉडी वर कॉन्सेंट्रेटेड, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस विल बी सेम एज विद द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सो एम इंटू के स्क्वायर। सो यहां से हम अगर वैल्यू कैलकुलेट करें, एम इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन, लेट अस से अगर मास सबके बराबर है तो मैं एम आई को बाहर निकाल सकता हूँ, एम इंटू यहाँ पे हमारा हो गया आर आई का स्क्वायर, आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, यहाँ पे अगर मैं लेट अस से देर आर एन पार्टिकल्स, हम एन पार्टिकल अज्यूम कर रहे हैं, सो यहाँ पे लेट अस से मैं अगर एम को कैपिटल एम को मैं लिख सकता हूँ एम इंटू एन, क्योंकि मास मैं सबका सेम अज्यूम कर चुका हूँ, सो के स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू, यहाँ से एम और एम कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा वन बाय एन समेशन आर आई स्क्वायर, I varies from 1 to n. So k की वैल्यू कितनी होगी, k की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ I varies from 1 to n, means I1 square, I2 square, so on. So यहाँ पे m into n अगर वैल्यू सब्स्टिट करूं तो m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा k, k is equal to square root of 1 by n summation I varies from 1 to n r I का होल स्क्वायर। सो ये हमारी होगी रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें एक प्लेन लेमिना का कैलकुलेट करना है अराउंड जेड एक्सिस। सो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहती है कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेन लेमिना अराउंड ए परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, मीन्स आई एक्स मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम बॉडी अराउंड एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम बॉडी प्लेन लेमिना अराउंड वाई एक्सिस, दोनों को सम कर देंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड जेड एक्सिस आ जाएगा, दिस इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसको प्रूव करना बहुत ही आसान है, लेट अस से एक्स एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, जेड एक्सिस वर्टिकल है, सिंस ये एक्स एंड वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है सो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है एक्स एंड वाई का, सो r square is equal to x square plus y square, कोई भी बॉडी यहां लाई कर रही है एट पॉइंट p, सो अगर आई जेड कैलकुलेट करना हो अराउंड पॉइंट p दैट विल बी इक्वल टू इसका इस बॉडी का z एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, z एक्सिस से इसका डिस्टेंस है r, सो दिस विल बी इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। इस प्लेन लेमिना के में ऐसे कितने ही पार्टिकल हो सकते हैं, सो सबका समेशन आ जाएगा समेशन m इंटू आर स्क्वायर, सो ये प्लेन लेमिना का हमारा z एक्सिस के अराउंड हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समेशन m इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, समेशन को अलग अलग खोल लूं m इंटू x स्क्वायर प्लस समेशन m इंटू y स्क्वायर, यहाँ m का मतलब हमारा m m m का मतलब m into x square का मतलब हमारा है m i into x i का whole square, मतलब यहाँ कितने ही ऐसे पार्टिकल हो सकते हैं, देयर कैन बी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैं सिंप्लीफाई करने के लिए एक लेके चल रहा हूं। अब आप फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे किसी भी पार्टिकल का y एक्सिस के अराउंड, y एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा कि उसकी उस पार्टिकल का y एक्सिस के अराउंड यहां से डिस्टेंस कितना हो गया x, सो i y is equal to summation m into distance का square, ये हमारा हो गया y axis के round, so ये हमारा पहली term आ गई i y, and second term क्या है m y square, x axis से इस particle का distance कितना है, x axis से इसका distance है y, so ये हमारा हो गया i into x, so ये हमारी theorem of perpendicular axis prove हो गई। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज कहाँ करनी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, यहां तक आपको समझने वाली बात इतना ही
कि अगर एक परपेंडिकुलर एक्सिस निकल रही है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो दो एक्सिस निकल रही हैं दोनों का समेशन कर देंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का बराबर होगा। नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि कोई भी एक्सिस हमारे बॉडी से पास कर रही है, लेट अस से पी क्यू, सो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड आई पी क्यू कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग पैरेलल टू दिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, पैरेलल टू दिस एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द बॉडी एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस का स्क्वायर। दिस इज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसको प्रूव करना बहुत आसान। लेट अस से ये हमारी एक जो बॉडी है उस पर कोई भी पार्टिकल है पॉइंट पी, सो उस पार्टिकल पी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दैट विल बी मास ऑफ द पार्टिकल इंटू एक्स, इसका डिस्टेंस कितना है एक्स प्लस डी इसका होल स्क्वायर। सो ये होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम सम करते हैं, ऐसे कितने ही पार्टिकल हो सकते हैं, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ अदर पार्टिकल्स जो इस बॉडी पे होंगे, सो सम कर दिया। सो इसको हम खोलें एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू एक्स डी, इसको हम खोल लें, ये हमारा हो गया एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम इंटू डी स्क्वायर प्लस समेशन एम इंटू टू एक्स डी। अब ध्यान से देखने वाली बात, ये टर्म क्या है, कोई भी पार्टिकल एम का एक्स मतलब डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से और उस सबका समेशन, सबका समेशन मींस ये हमारी टर्म होगी आई सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अराउंड उस होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये होगा प्लस डी स्क्वायर कॉमन है क्योंकि डी है दोनों लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फिक्स है, यहाँ पे आ जाएगा समेशन एम, डिफरेंट मासेस का समेशन एम मींस सारी बॉडी का मास, सारी बॉडी का मास हो गया हमारा समेशन एम जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे एम है, प्लस ये वाली टर्म जो है ध्यान से देखने वाली है, यहाँ पे टू डी आ गया समेशन के बाहर बिकॉज वो कांस्टेंट है, यहाँ पे आ गया हमारा एम इंटू एक्स। अब ये वाली टर्म, ऐसे कितने ही पार्टिकल होंगे जो कि सेंटर ऑफ मास के इस साइड लाइक कर रहे हैं, इतने ही पार्टिकल होंगे जो सेंटर ऑफ मास के इस साइड लाइक कर रहे हैं, उनका सबका मोमेंट बिकॉज बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी के ऊपर कोई टॉर्क नहीं लग रही, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, सो सबका मोमेंट ऑफ द लेट अस से एम वन है, यहाँ पे पार्टिकल M2 है, यहाँ पे पार्टिकल M3 है, यहाँ पे पार्टिकल M4 है। सो मैंने आपको करवाया था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटा, मतलब कि मोमेंट ऑफ दैट फोर्स, अगर कोई इसकी वेट नीचे एक्ट करेगा, इसका वेट नीचे एक्ट करेगा, ये इसको इस तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये इसको इस तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा, लेट अस से पार्टिकल P है तो इसको इस तरफ रोटेट कर रहा है एम वन इंटू एक्स वन माइनस एम टू इंटू एक्स टू प्लस सॉरी इनका जो इसका जो मोमेंट है प्लस m2 टू इंटू एक्स टू प्लस एम थ्री इंटू एक्स थ्री, ये सारे का सारा सो ऑन दिस विल बी इक्वल टू जीरो, सभी का सारे का सारा मोमेंटा जो है सबका मिला के जीरो होगा क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये कोई बॉडी अपने आप तो रोटेट करना शुरू नहीं कर रही है। सो ये वाली जो टर्म है समेशन ऑफ m इंटू एक्स, दिस डिनोट्स मोमेंटा समेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ये जीरो होगा क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप रोटेट करना शुरू नहीं कर रही है। सो इसका मतलब है आई पी क्यू कोई भी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बहुत काम आएगी, ये होगा हमारा आई सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द बॉडी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये बहुत ही हेल्पफुल है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, आगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज का हम कैलकुलेट करेंगे उसमें काफी काम आएगा। आइए हम एक एक करके उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, किस एक्सिस के अराउंड, कोई ऐसी एक्सिस के अराउंड जो कि इसके जो प्लेन से परपेंडिकुलरली बाहर आ रही है, मींस रिंग के ये वाली एक्सिस के अराउंड, मैं उस प्लेन उसके जो प्लेन में एक्सिस है उसके अराउंड बात नहीं कर रहा हूँ, लेट अस से रिंग ऐसे रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अराउंड यहाँ से जो बाहर आ रही है। अब क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज कैलकुलेट करना है तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, आई हमें फाइंड करना है इस रिंग का, सो हम एक छोटी सी पार्टिकल इसके ऊपर छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, लेट अस से दिस, इसका हम छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे एंड उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे,
ये हमारा पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका मास इनटू इसका रेडियस जो एक्सिस है वहां से डिस्टेंस का स्क्वायर ये होगा। सो इसका मास कितना होगा, इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा, हमारा पूरे रिंग का मास है लेट अस से एम, एंड इसका जो रेडियस है वो सबका सेम है आर। सो लेट अस से इसकी जो लेंथ है ये छोटा सा है डी एक्स, इसकी जो छोटी सी लेंथ है इसकी डी एक्स है। सो इसका मास कितना हो गया डी एम इंटू इसका डिस्टेंस हो गया आर, आर का स्क्वायर। अब डी एम छोटा से एलिमेंट का छोटा सा मास कितना है, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ हो गया एम बाय टू पाई आर, इसका सर्कमफ्रेंस इंटू इसकी लेंथ कितनी है डी एक्स, ये हो गया इसका मास इंटू आर का स्क्वायर। ये हमारा हो गया छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका हमने इंटेग्रल कर देना है। लिमिट क्या है डी एक्स, एक्स कहां से वेरी कर रहा है, डी एक्स वेरी कर रहा है हमारा, यहां पे डी एक्स जीरो है, यहां पे डी एक्स की वैल्यू जीरो है एक्स की, उसके बाद ये पूरा घूम रहा है। सो डी एक्स इज वेरी फ्रॉम जीरो टू टू पाई आर। सो यहां से हम चीजें कॉमन निकाल लेंगे, एम आर स्क्वायर कॉमन आ गया डिवाइडेड बाय टू पाई आर, इंटेग्रल में आ गया हमारा जीरो टू टू पाई आर, यहां पे हो गया डी एक्स। सो डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया हमारा एक्स, सो ये हमारा हो गया एम आर डिवाइडेड बाय टू पाई, एंड यहां पे आ गया हमारा टू पाई आर। सो यहां से टू पाई कैंसिल हो गया, सो ये हमारा हो गया एम आर स्क्वायर। सो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द एक्सिस जो कि परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जा रही है उसके अराउंड क्या होगा, एम आर स्क्वायर। अब हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे जो एक्सिस इसके प्लेन में है, इसके प्लेन में जो डायमीटर लाई कर रहे हैं इस प्लेन में, उनके अराउंड कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करें, कोई भी दो डायमीटर जो इसके प्लेन में लाई कर रहे हैं लेट अस से ए बी एंड सी डी, सो हमें आई जो परपेंडिकुलरली बाहर जा रहा है उसके अराउंड पता चल गया आई वाई वाई डैश दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, हमने अभी निकाला, आप देख सकते हैं हमारी वैल्यू थी इसमें एम आर स्क्वायर जो कि परपेंडिकुलरली बाहर आ रही है उसके अराउंड है एम आर स्क्वायर। सो अब हम यहाँ पे आई वाई वाई डैश जो सिस्टम के जो परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा है वहां पे हो गया एम आर स्क्वायर। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अगर हम यूज करें तो आई वाई वाई डैश किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू आई ए बी प्लस आई सी डी, दिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सो इसका मतलब क्योंकि ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो दोनों बराबर है, सो दिस कैन बी टर्म्ड एज टू टाइम्स आई ए बी दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सो कोई भी रिंग के अंदर का जो डायमीटर के अराउंड कितना होगा, अराउंड द डायमीटर इट विल बी हाफ एम आर स्क्वायर। सो ये क्लियर है, दिस विल बी हाफ एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम करते हैं कि इसका जो टेंजेंट है, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं उसके अराउंड कितना होगा। तो अब आपके पास दो केस हो गए, एक तो टेंजेंट है कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड जो रिंग का हमने निकाला था उसके पैरेलल, मींस ये लेट अस से लाइन जो सिस्टम के बाहर आ रही है इसके अराउंड हमारा था एम आर स्क्वायर, इसके पैरेलल अगर हमने एक्सिस बाहर की तरफ आ रही है इस टेंजेंट के अराउंड इसका कितना होगा। सो दैट इज गिवन बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि आई पी क्यू के अराउंड हमारा कितना होगा, जो इसके सेंटर ऑफ मास से निकल रहा है दैट इज एम आर स्क्वायर प्लस मास ऑफ द सिस्टम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू एम आर स्क्वायर। सो इस केस में हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज गिवन बाय टू टाइम्स एम इंटू आर का स्क्वायर। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ करेंगे, अगर सिस्टम के अंदर ही जो हमारा इस प्लेन के अंदर ही हमने आई ए बी निकाला था, हमारा आई ए बी की वैल्यू कितनी थी, दैट इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। अब इसके पैरेलल कोई एक्सिस हो, इसके पैरेलल लेट अस से ई एफ है, उसके अराउंड कितना होगा, ई एफ विल बी इक्वल टू जो इसके प्लेन में ही कोई भी एक्सिस है दैट इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, इसके प्लेन में जो एक्सिस है दैट इज हाफ एम आर स्क्वायर, या आप सी डी कह सकते हैं, ए बी कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस मास ऑफ द सिस्टम इंटू एम आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करी है, ये एक्सिस इस प्लेन के अंदर है और ये सी डी के पैरेलल है, या आप चाहे ए बी के भी पैरेलल ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं। सो इस एक्सिस के राउंड भी थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर होगा, इस एक्सिस के राउंड भी थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर होगा, क्योंकि आई सी डी कितना है, वो भी हाफ एम आर स्क्वायर है। सो ये हमारा हो गया थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर।
और परपेंडिकुलर आउटवर्ड अगर आ रहा है रिंग का तो ये 2mr2। सो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ एक डिस्क के अराउंड क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। अब डिस्क जो है रिंग की तरह अंदर से खाली नहीं है। रिंग क्या होता है, अंदर से खाली है, सिर्फ उसके आउटर एजेस पे ही जो उसका मटेरियल है, डिस्क के अंदर भी मटेरियल है। तो डिस्क इज नॉट हॉलो फ्रॉम इनसाइड। सो डिस्क का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मामला वही है। आई इज विल बी गिवन बाय समेशन डी आई। डी आई क्या करेंगे हम, इसमें एक छोटा सा रिंग अज्यूम करेंगे। लेट अस से दिस इज ए स्मॉल रिंग। यहाँ पे एक छोटा सा रिंग है जिसका यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस है लेट अस से एक्स है, एंड इसकी छोटी सी विड्थ हम अज्यूम कर लेते हैं रिंग की, लेट अस से दिस इज डी एक्स। तो ये हमारी विड्थ कितनी हो गई, ये हमारी वैल्यू है डी एक्स। सो ये विड्थ की वैल्यू हो गई डी एक्स, ये रिंग की बात कर रहा हूँ। तो इसको हमने इस एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट किया है। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ये भी बाहर की तरफ आ रही है एक्सिस, परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ जो एक्सिस आ रही है उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले डी आई कितना होगा, डी आई होगा इसका छोटा सा मास इनटू इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस जो है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। अब इसका छोटा सा मास कितना होगा इस रिंग का, इस छोटे से रिंग का मास होगा, और ये डी एम इंटू एक्स स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि हमने अभी रिंग का पहले कैलकुलेट किया है। रिंग का कितना होता है एम आर स्क्वायर, इस रिंग का कितना होता है एम आर स्क्वायर जो इस एक्सिस के अराउंड आएगा, दैट इज एम इंटू आर स्क्वायर। लेट अस से हाफ एम आर स्क्वायर होता तो मैं यहाँ पे हाफ एम आर हाफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर लिखता। इस रिंग का छोटे से रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पहले हाफ होता तो मैं यहाँ हाफ लिखता, अगर उसके आगे कोई भी कॉन्स्टेंट होता 1/4 2/3 2/5 या आगे हम होलो सिलेंडर में और स्फीयर में और ये हम सारी चीजें यूज करने वाले हैं। सो ये बड़ा ध्यान से देखने वाली बात है कि डी आई में मैंने क्या लिखा है, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, इसके मास इंटू एक्स का स्क्वायर, क्योंकि रिंग का क्या आया था अभी, अभी हमने पीछे रिंग का निकाला है दैट इज एम इंटू आर स्क्वायर। अगर इसके आगे कोई कॉन्स्टेंट लगा होता हाफ एम आर स्क्वायर 2/3 mr² 2/5 mr² तो मैं यहाँ पे भी लिखता, लेकिन नहीं है तो मैंने नहीं लिखा। अब छोटे से रिंग का मास कैसे कैलकुलेट करना है, ये है डिस्क। सो डिस्क का होगा हमारा एरिया, सो दैट इज मास पर यूनिट एरिया इज गिवन बाय एम बाय आर स्क्वायर इंटू इस छोटे से रिंग का कितना एरिया है, इसकी लेंथ 2πx इंटू इसकी विड्थ है dx, ये हो गया इसका एरिया। सो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, सो ये हमारा आ गया इंटीग्रल में क्या आ गया हमारा 2m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 2m बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, और यहाँ एक्स स्क्वायर है सो ये हमारा हो गया एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, एक्स इज वेरिंग फ्रॉम जीरो टू एक्स इज वेरिंग अप टू आर। अगर एक्स जीरो से लेके आर तक जाएगा तो ये पूरी की पूरी रिंग को कवर कर लेगा। सो ये हमारी वैल्यू आ गई, सो आई विल बी 2m कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स क्यूब का हो गया हमारा आर 4/4, वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, सो ये हमारा हो गया हाफ एम आर का स्क्वायर। सो रिंग का कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ एम आर का स्क्वायर। अब रिंग की जो करोलरी हमने डिस्क का कितना होगा, डिस्क का होगा हमारा हाफ एम आर का स्क्वायर। डिस्क में भी हम सेम कर रहे हैं कर्ज करना चाहें तो डायमीटर के राउंड कितना आ जाएगा, दो डायमीटर है सो डायमीटर के राउंड हो जाएगा 2 times डायमीटर, दिस विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू हाफ एम आर का स्क्वायर यूजिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, क्योंकि ये जो एक्सिस है बाहर आ रही है एंड डायमीटर विद इन द पैरेलल प्लेन है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, सो आई डायमीटर के राउंड कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/4 mr². सिमिलरली आप निकाल सकते हैं टेंजेंट, कोई टेंजेंट इसके ऐसे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आ रहा है तो उसका कितना हो जाएगा, अगर कोई बाहर की तरफ आ रहा है आई टेंजेंट, दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर जो इसका है अराउंड दिस एक्सिस प्लस बॉडी का मास इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3/2 mr². सो टेंजेंट के अराउंड कोई भी टेंजेंट जो सिस्टम के बाहर निकल रहा है उसके अराउंड कितना हो जाएगा, ऐसे जो सिस्टम के अंदर ही टेंजेंट है उसका कितना हो जाएगा 1/4 mr² प्लस mr², सो दिस विल बिकम 5/4 mr². सो मैंने रिंग डिस्क के आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दिए। डिस्क का बेसिक
कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, ये याद रखना है। उसके बाद टेंजेंट का निकालना, जो टेंजेंट बाहर निकल रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है उसका कितना होगा, वो मैंने आपको बता दिया। डायमीटर के राउंड कितना होगा, जो टेंजेंट्स प्लेन के अंदर ही है उसका कितना होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, वो आगे इसके लेटर से हाफ एम आर का स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर। सो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर अपॉन रूट टू। अगर एक्सेस ये वाली है सो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू कितनी होगी, आर बाय रूट टू। सो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस ऑफ गायरेशन भी आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूँ रॉड का, रॉड के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा।